लोगों की अपेक्षाएं काफ़ी सारी रहती है, और लोगों की अपेक्षाएं जब पूरी होती नहीं है तो लोग विचलित होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या होता है कि मैं मेरे दोस्त के घर पे गया, या जो परिचित है, फैमिली फ्रेंड है, उनके पास में मैं गया, उनके यहाँ गया, और उन्होंने मुझे अच्छा खाना खिलाया, आवभगत किया, पूछताछ किया, बहुत अच्छा खाना खिला के उन्होंने गपशप किया और मैं वहां से निकल आया। 8-15 दिन के बाद में वो भी मेरे पास में आते हैं, वो मेरे घर पे आते हैं। अब लोगों की अपेक्षा क्या रहती है, इच्छा क्या रहती है कि जैसा अभी मैंने ट्रीटमेंट दिया था वैसी ट्रीटमेंट, मतलब उस तरह का आवभगत अभी इन्होंने भी करना चाहिए। तो वो जब मेरे घर पे आते हैं तो उनकी ऐसी अपेक्षा रहती है कि अभी उनको भी मैंने ऐसे ही करना चाहिए, खाना पीना सब कुछ खिलाना पिलाना चाहिए और सब उनका अवभगत करना चाहिए, और वो यदि मैं नहीं करता हूँ तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका अपेक्षा भंग हो जाता है, वो अपसेट हो जाते हैं। तो जब तीसरी बार मैं उनके घर पे जाता हूँ तभी वो बोलते कि हाँ, हम जब गए थे तो उन्होंने नहीं किया था हमारा आगत स्वागत, अभी हम इनका नहीं करेंगे। अभी हुआ क्या कि उनकी जो विशेषताएं थी, उनकी जो क्वालिटीज थी, उनकी जो एबिलिटी थी, उनकी जो क्षमता थी, वो उन्होंने बाजू में रख दी। होता क्या है कि लोग अपनी अपनी विशेषताएं भूल जाते हैं। वो व्यक्ति समय पे आता नहीं है, वो व्यक्ति अपना जो बोलता है, अपना जो वचन है, उसका पालन करता नहीं है, तो फिर मैं क्यों जाऊं। तो यदि मैं टाइम पे जाने वाला हूं, मैं समय पे जाने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं भी अपनी विशेषताएं भूल जाता हूं, क्योंकि लोग उसका पालन नहीं करते, करके मैं भी वही कर देता हूं जैसा लोग कर रहे हैं। यदि लोग झूठा बोलते हैं, मैं सच्चा बोलने वाला इंसान हूं, तो मैं भी झूठा बोलना चालू कर देता हूं, क्योंकि लोग झूठा बोलते हैं। हो रहा क्या है कि लोग अपना अपना अपनी अपनी जो विशेषता है, अपने अपने जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज लोग भूल रहे। यदि लोग गुस्सा करते हैं तो मैं भी गुस्सा करना चाहिए, लोगों ने मेरा अपमान किया तो मैंने भी उनका अपमान करना चाहिए। मतलब मेरे पास में वो वैसा बिहेवियर नहीं होगा, मैं वैसा बिहेवियर करता भी नहीं होगा, मैं शांत स्वभाव का आदमी हूं, मगर मैं रिएक्शन के मोड में जीते रहता हूं, मैं रिएक्शन में हरदम रहते रहता हूं कि मैं लोग ऐसा करते करके मैं ऐसा कर रहा हूं, लोग ऐसा करते करके मैं ऐसा कर रहा हूं, तो लोग रिएक्शन के मोड में जीते, मैं रिएक्शन के मोड में जीता हूं, और फिर अशांति पैदा होती है। कभी भी अपेक्षा में मत रहो, एक्सपेक्टेशन में मत रहो, कभी भी रिएक्शन मत करो। लोग ऐसा करते हैं इसलिए मैं ऐसा करूंगा, उसने मुझे ऐसा किया करके मैं उसको वैसा करूंगा, ऐसा क्यों करना है। लोग जैसा करेंगे वैसा करेंगे, लोगों को जैसा बर्ताव करना वैसा करने दो, मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं लोगों का स्वीकार कर लूंगा कि जो जैसा भी लोग जैसा भी बर्ताव करते हैं वैसा मैं उसका स्वीकार करके उनको मैं स्वीकृति दूंगा, उनके बिहेवियर को स्वीकृति दूंगा, मैं मेरा बिहेवियर, मेरी विशेषताएं बदलूंगा नहीं। और जब मैं मेरा कायम रखूंगा, मेरी मेरा बिहेवियर, मेरा बर्ताव, मेरी जो विशेषता है वो कायम रखूंगा, तो मेरा देख देख के लोग बदल जाएंगे। नहीं तो होगा क्या है कि लोग ऐसे करके मैं बदल रहा हूँ, लोग अप्रामाणिक करके मैं अप्रामाणिक रह रहा हूँ, लोग झूठा बोलते हैं करके मैं झूठा बोल रहा हूँ, फिर हो रहा क्या अभी मैं झूठा बोल रहा हूँ करके अभी वो भी झूठा बोलना और चालू कर देते हैं, और वो झूठा बोलते करके फिर मैं और झूठा बोल रहा हूँ, हो रहा क्या है कि सब वातावरण झूठा तैयार हो रहा है। यदि मैं मेरी विशेषताएं, मेरा बिहेवियर, मेरा बर्ताव समय पे आने का हो, सच्चाई का हो, खान पान का लोगों को खान पान खिलाने का हो, या जो भी कुछ हो, यदि मैं मेरा कायम रखता हूँ तो लोग मुझे देख देख के लोगों में बदल आएगा और एक अच्छे विश्व का निर्माण होगा। तो ये अपनी अपनी विशेषताएं कायम रखो, रिएक्शन मत करो, और जब रिएक्शन नहीं करते हैं एक्शन करते हो, और मुझे करना क्या है ये हमको पक्का मालूम है, तो विश्व शांति आ जाएंगी, डेफिनेटली हम शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे और एक नए युग का निर्माण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।